मुझे मुफलसी ना दे और ना ही दौलत, सिर्फ मेरे हिस्से की रोटी मुझे अता कर। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इंसाल की किताब उसका 30वां बाब 5वीं ता 9वीं आयात मुकद्दसा। खुदा का हर एक सुखन मुसद्दक है, जो उसकी पनाह लेते हैं उनके लिए वो सिपर है। तो उसके कलाम में इजाफा ना कर ताकि वो तुझे तंबी ना करे और तू झूठा ठहरे। मैं तुझसे दो बातें मांगता हूँ, मेरे मरने से पहले उनके देने से मुझे इनकार ना कर, झूठ और दरोगोई मुझसे दूर कर, मुझे मुफलसी ना दे और ना दौलत, बल्कि मेरी किफ़ायत की रोटी मुझे अता कर। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं कि खुदावंद कौन है, या मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम का गुनाह करूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जबूर 119 जमाइती जवाब, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है, खता की राह से मुझे दूर रख और अपनी शरीयत से मुझे अनायत फरमा। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के हजार हाथ सिक्कों से भी अफजल है। जमाइती जवाब, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है। ऐ खुदावन, तेरा कलाम अबद तक कायम है, वो आसमान की तरह पायदार है। मैं हर बुरी रविश से अपने कदम बाज रखता हूँ ताकि तेरे कलाम को हिफ्ज करूँ। जमाइती जवाब, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है, तेरे कवायद से मुझे फहमीद हासिल होती है, इसलिए मैं शरारत की हर राह से नफ़रत रखता हूँ। मैं झूठ से नफ़रत करता और उसे मकरूह जानता हूँ, तेरी शरीयत से मेरी मोहब्बत है। जमाइती जवाब, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 9वां बाब 1 आयत से 6 आयत तक, यसु ने उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। एक दिन यसु ने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। और उसने उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लो, ना लाठी, ना थैली, ना रोटी, ना नकदी, और दो दो कुर्ते भी तुम्हारे पास ना हो, और जिस किसी घर में दाखिल हो वहीं रहो और वहां से रवाना ना हो, और जहां लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से बाहर जाकर अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो, और वो रवाना होकर गांव-गांव जाकर हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। जिले मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।